पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। गुरुवार को विधायक ललित मीणा के पिता हेमराज मीणा ने उनके पुत्र पर बाड़ेबंदी करने जैसे आरोप लगा दिए। वहीं जानकारी ये भी है कि राजस्थान भाजपा ने बागियों को लेकर एक रिपोर्ट दिल्ली भेजी है, जिसमें 45 नामों का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि बागियों के चलते करीब 10 से ज्यादा सीटें भाजपा ने खो दी। सूत्रों के मुताबिक भाजपा इन चुनावों में 130 तक सीटें जीतने का अनुमान लेकर चल रही थी, लेकिन 115 सीटें ही मिल पाईं। खास बात यह है कि इनमें से ज्यादातर नाम राज्य के समर्थकों के बताए गए हैं। इनमें जयपुर, अलवर, चूरू, नागौर समेत पूर्वी राजस्थान के कुछ अन्य जिले भी शामिल हैं। मौजूदा हालातों में इस वक्त भाजपा पदाधिकारियों और वसुंधरा राजे के बीच सीधे तौर पर टकराव की स्थिति नजर आ रही है। चुनाव नतीजे आने के दूसरे ही दिन राजे ने अपने आवास पर विधायकों को रात्रि भोज पर आमंत्रित किया। इसमें करीब 40 विधायक शामिल भी हुए। इनमें से कुछ विधायकों ने बाहर आकर राज्य को मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग सार्वजनिक तौर पर रख दी। इसके दो दिन बाद ही विधायकों को रिजॉर्ट में ले जाने की घटना भी घट गई। इन सभी बातों का भी रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। इसी बीच गुरुवार देर शाम को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की मुलाकात हुई। इस दौरान उनके साथ सांसद दुष्यंत सिंह भी मौजूद थे। ये मुलाकात करीब 1 घंटा 20 मिनट तक चली। मुलाकात के बाद राजे मीडिया से बात किए बिना ही चली गईं। इन सभी के बीच आज जयपुर में भाजपा के पर्यवेक्षक आ रहे हैं। इसके बाद विधायक दल की बैठक होगी और उसमें मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।